ऑब्वियसली सबसे पहले तो ऑल अराउंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सर आपने बताया, जिस प्रकार से सेक्टर के हालात हैं उसके सामने आपने डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाया है इस बार। तो सबसे पहले तो सर ओवरऑल कमेंट्स आपके हैं, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं, क्या सपोर्ट आता हुआ दिखाया है इस बार पर्टिकुलरली, और यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करें। जी, सो आप अगर देखेंगे हमारा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से हम जो टीसीवी एसीवी जो बुकिंग्स देते हैं, जिस तरीके से जो ग्रो हुए हैं बोथ टीसीवी और एसीवी, तो वो एक लीड इंडिकेटर रहता है। और लास्ट टू दो क्वार्टर्स में, मतलब Q4 ऑफ लास्ट ईयर और Q1 ऑफ दिस ईयर, वी ऑल्सो हैड गॉन अहेड एंड हायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फ्रेशर्स, ऑलमोस्ट 3,000 फ्रेशर्स। सो करंटली वी आर वर्किंग ऑन three aspects, and which is what is helping our performance. One is converting the TCV ACVs into actual revenues. Number two, the acquisitions that we had done, jo last two quarters mein aapne dekha hoga, humne ek acquisition kiya tha Jan Feb March quarter mein Data Glove karke jo Microsoft ecosystem mein hai, aur April mein June mein humne acquisition kiya tha Media Agility jo Google ecosystem mein hai. So ye do cheeze bhi hume naye revenue channels ko access de rahi hai. और तीसरी चीज ये है कि जो पे हाइक हुआ था ये क्वार्टर में, हमारा जुलाई से एनुअल पे हाइक इम्पैक्ट होता है, तो उसका काफी इम्पैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम आईपी बिजनेस जो हमारा बढ़ा है ये क्वार्टर में। सो आपने देखा होगा कि सर्विसेज रेवेन्यू में 4.9% का इंक्रीज हुआ है और आईपी रेवेन्यू में 18% का इंक्रीज हुआ है। सो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है उसके चलते, और ये जो अपना डॉलर रुपी कन्वर्जन है, सो आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द यूरो जोन द रूपी फर्दर डेप्रिशिएटेड और डॉलर स्ट्रेंथेंड रादर टू से फ्रॉम 79.50 लेवल्स टू अबाउट 82.50-83 नाउ। सो दिस ऑल्सो गेव अ टेलविंड ऑफ अबाउट 90 बेसिस पॉइंट्स टू द मार्जिन्स। सो आईपी रेवेन्यू ज्यादा होने से और डॉलर रूपी के 90 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट से, और जो रेवेन्यू ग्रोथ हमारी कंसिस्टेंट हो रही है, ये तीन मेन रीजंस हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब सर जो चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में हैं हम, ऑब्वियसली बात है कि जो बाहर के देश हैं वहां पर जो क्लाइंट्स होंगे आपके, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चिंताएं उनकी तरफ से है। आप कैसे देख रहे हैं क्लाइंट स्पेसिफिक, कोई आपको दिख रहा है कि ऐसा कोई हिकअप हो उनकी तरफ से, कोई नेगेटिव कमेंट्री आपको देखने मिल रही हो, और बिजनेस में आने वाले वक्त में कोई उसको लेकर कोई असर आ सकता है? सुनील जी, नहीं, एक्चुअली क्या है ना, दो चीज़ें हैं। आप अगर हमारा रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो हमारा डिपेंडेंस यूएस मार्केट पे ज़्यादा है, यूरो जोन पे कम है। यूरोप मार्केट पे हमारा प्रेजेंस अभी 7-8% जितना है। सो दैट इज़ वन रीज़न वी आर नॉट सीइंग दैट मच ऑफ हेडविंड फ्रॉम यूरोप। द दूसरा रीज़न ये है कि जो मेजर सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा फेड ने जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए तभी मॉर्गेज बिजनेस और रिटेल बिजनेस पे ज़्यादा असर हुआ है, तो ये दो बिजनेस में भी हमारा एक्सपोजर कम है, और इसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन सिचुएशन, इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो हमें अभी हुआ नहीं है। अभी फिलहाल क्लाइंट्स आर बिकमिंग कॉन्शियस एंड कॉशियस इन देयर ओन अप्रोच टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, सो सेल्स साइकिल्स हैव स्लाइटली बिकम लॉन्गर। तो ये दो तीन क्वार्टर्स ये फैक्टर बना रहेगा जब तक ऑल द कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट डू नॉट कम डाउन। लेकिन आप देखेंगे हम रिलेटिवली वी आर अ स्मॉल स्पेक इन द ओशन, जैसा हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट वो इतना बड़ा है कि अगर हम कंटिन्यूसली क्लाइंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिसको कहते हैं काम करते रहें और क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ों को देखते रहे कि क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे ना, तो काफी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। इतना ही है कि ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है कंपेयर टू द टेलविंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम वेयर क्लाइंट्स वेयर स्पेंडिंग विद ऑल पर्स ओपन टाइप ऑफ सिचुएशन। टुडे दे आर आल्सो लुकिंग एट हाउ दे कैन कंटेन देयर स्पेंड, सो लॉट ऑफ डिस्कशन इज आल्सो ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। लेकिन डिमांड एनवायरमेंट आई वुड से इज स्टिल क्वाइट गुड, एंड यू विल सी दैट एट्रीशन अभी भी बरकरार है 20% प्लस ट्रेजेक्ट्री में मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द इंडस्ट्रीज के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वी गिव गुड होप दैट वी विल कंटिन्यू टू काइंड ऑफ ग्रो फ्रॉम हियर ऑन एज वेल। ठीक है सर, अब ऐसे माहौल में आपने जैसे बताया BFSI भी है जो अच्छे से काम कर रहा है,
तो ओवरऑल डील विन का सिनेरियो थोड़ा सा समझाइए, और क्या TCVs आप देख रहे हैं यहाँ से आगे, जिस तरह से थोड़ा सा कम हुआ है, सो उसको देखते हुए क्या प्रकार के आसान यहाँ से आगे? सो TCV और ACV जो दोनों हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, आपने देखा होगा 370 मिलियन जितना TCV और ACV में भी अच्छा ये है, और नया TCV ACV में भी आपने देखा होगा उसमें काफी स्टेबिलिटी और ग्रोथ है। सो सिर्फ इतना है कि जो टाइप ऑफ बिजनेस है, या तो आप कहेंगे कि सेक्टर वाइज है, BFSI, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हमारे तीन सेक्टर्स हैं, उसमें BFSI थोड़ा सॉफ्ट रहेगा एक दो क्वार्टर्स में, और उसमें हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा फॉर हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज बिजनेस टू ग्रो, एंड देन ओवरऑल आफ्टर द सिचुएशन स्टेबिलाइजेस BFSI विल ऑल्सो कम बैक विद दैट मच काइंड ऑफ यू नो रिन्यूड काइंड ऑफ अ होप टू स्पेंड। सो ये दो क्वार्टर्स में BFSI में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा, लेकिन हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज शुड बी एबल टू गिव अस गुड ऑर्डर बुकिंग एंड यू नो कन्वर्जन टू रेवेन्यू। ओके, डेफिनेटली सर। और आगे के लिए गाइडेंस तो ऑलरेडी हमने जिस तरह से देखा है, उसको अचीव करने के लिए वही इन लाइन हम जा रहे हैं या कोई परिवर्तन आप करना चाहेंगे सर? नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो हम देते नहीं है, जस्ट दैट वी प्रोवाइड TCV ACV बुकिंग्स एंड हेड काउंट एडिशन, दीज आर फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ लीड इंडिकेटर्स यू कैन से, लेकिन हार्ड नंबर्स हम गाइड नहीं करते हैं। तो बाकी जो हमने बातचीत की है, डेफिनेटली आपने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है और अच्छे से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सुनील जी, फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।